हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मरियम वहीद। यहाँ से जो है दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी तक मैंने अपना पहला ब्लॉग भी जो है वो एडिट नहीं किया है बाय द वे। सो हम लोग जस्ट अभी निकले हैं फॉर द सिटी टूर और देखेंगे आज हम कि इस्तांबुल टर्की कैसा है और यहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। और वहीद से हाय। हेलो। और बच्चे बच्चे प्रिंसेस बनी हुई है और ये रहे सुपरमैन हाइसम। और बस अभी हम लोग निकल गए हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं आज हम। जहाँ पे एक साइड से जो है यूरोप लगता है और एक साइड से जो है एशिया लगता है। सो इट्स मीन कि हम लोग जो हैं यूरोप में भी हैं और हम लोग एशिया में भी हैं। सो इस चीज़ की जो है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारे एक साइड पे लगता है यूरोप और बहुत ही ज़्यादा मज़े की प्लेस है ये। कौन सा देखते थे? इश्क ममनू। हाँ, इसी तरह के बहुत है ना। तो उसमें इस तरह के होटल्स होते थे, ऑब्वियसली ये जगहें होती थी वो, और इसी तरीके से जो है रोड कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे उतर रहा है। सो हम मजे मजे के छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बहुत मजे की जगह है। बहुत बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मतलब देखने में ही इतना अच्छा है कि दूर से देख के अभी बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हैं ये लोग क्योंकि सारे टर्किश हैं, ये लोग टर्की मैन हैं, ये टर्की बॉयज़ हैं, टर्की मैन से इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो गूगल पे जो है टर्किश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। और सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पे टर्किश टू इंग्लिश क्योंकि यहाँ पे किसी को भी जो है इंग्लिश नहीं आती है। बहुत मुश्किल है इन लोगों से बात करने में क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है, इन लोगों को टर्किश ही आती है। और इतनी खूबसूरती है फ्रेंड्स यहाँ पे, हर चीज़ में इतनी क्रिएटिविटी है और इतना मज़े का है सब कुछ के बस इशारे भी करने पड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग जाने लगे हैं ब्लू मॉस्क और हाजी सोफिया कहते हैं आई थिंक उस दूसरी मॉस्क को। और एक तो है ब्लू मॉस्क, इट्स ओके, एक तो है ब्लू मॉस्क
तो वो जो हमें गाइड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वहाँ पे स्कार्फ विदाउट स्कार्फ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मस्जिद है। सो वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से स्कार्फ जो है वो बाय करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं मॉस्क में जा सकती हूँ। Turkish delight. Turkish delight. Yes. Turkish delight. Thank you. Made by honey. This is no honey, but sugar. Made by honey. Okay. Thank you so very tasty. Much. Very tasty. Please, you can check. Just here, brother. This is like your house. Take thank you so much. So kind of you. You're welcome, sister. This is like your house. Please. Jellies. This is jelly. Do you want something? There are spices as well. Yes, we have a spice, different spices. This is a tea, natural tea. Natural tea? Yes. You're in my blog. Okay, let me be famous. Tag me. Okay. But I think we should buy things once we are back. We shouldn't. Carry with us and leave it in the way back. You can take it if you like to come back as you like. No question. But children, they won't allow us to take things and leave it with you. They'll cry and Papa? Take that with them. Yes. So I think let's take this scarf first. Mm-hmm. Okay. And then Papa? After. Yes, sir. Okay. Show me this scarf. Okay. Papa. Wait. Here we have different scarf. We have silk, pure silk. I want plain. Oh, sorry. It's okay, no problem. No problem. You want something plain? Okay. I have something like that. You can use it after. Here in your necklace or your bags. Very nice. And this one. You can put it just in your head now. This is the mirror, if you like. Should I buy this color or orange? Other Take, as you that. Like. I have orange. Pen ke dekh lo. If you like. Uh-huh, probably iske sath orange chalega. Go with my dress. Yes. Yeah. I see. This is very nice with your dress. This is best. Perfect. Yes. Yeah. Okay. Thank you. How much? 300 for this one. 300 liras. Yes. Okay. So friends, मैंने जो yellow scarf buy किया है यहाँ से, अब हम लोग जाएंगे और आगे Blue Mosque देखने के लिए. So मिलते हैं. See you later. Bye. See you later. Yeah. Bye. Friends, finally जो है मैंने ये वाला scarf जो है वो buy किया है और पाकिस्तानी ये मुझे कुछ जो है 5000 का पड़ा है ये scarf just. Turkey is very, very expensive और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये और अभी हम लोग जाएंगे मॉस्क के अंदर तो ऑब्वियसली वी नीड अ स्कार्फ और सो स्कार्फ हमने कैरी कर लिया है और अब बस चलने का ही सफ़र है और ये देखिए कितनी खूबसूरत गलियां हैं और कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट्स हैं और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इट्स आया सोफिया और ये देखिए यहाँ पर टूरिस्ट इस तरह से आते हैं और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है मॉस्क में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और टूरिस्ट तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, क्या बाहर से अंग्रेज़ हैं, क्या टर्किश हैं, तो चाइनीज़ हैं, सब हैं, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है फ्रेंड्स। सो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा और लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी है और वो देखें बाहर से भी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है आया सोफिया। इट्स आया सोफिया नॉट हाजी सोफिया, मैं समझ रही थी हाजी सोफिया। सो बहुत गर्मी है फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल तो और Thank you.
यहाँ पे सब के लिए स्कार्फ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो कोई भी हों, कहीं से भी आए हुए हों, अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे हेड कवर किया हुआ है, स्कार्फ्स लिए हुए इस तरह से। सो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के। और ये पता नहीं कौन सी जगह है, क्योंकि हमें तो इतना कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता नहीं है। एंड हॉस था पहले, और टर्की इज़ ऑल अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस। और आइसम चलें, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि सब ने हेड कवर किया हुआ है, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो चाइनीज़ हों, और मुस्लिम्स ने तो किया हुआ ही है। अब अंदर जा रहे हैं हम लोग आया सोफिया के। सो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे अल्लाह पाक का नाम जो है वो नज़र आ गया है, और सब अंदर जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रश है। वही तो कह रहे हैं कि बाहर से ही देख के चलते। मैंने कहा नहीं, हम आए हैं तो अंदर से देख के ही जाएंगे। यहाँ पे जो है सब अपने शूज़ ऑफ कर रहे हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली मॉस्क है तो शूज़ के साथ नहीं जा सकते। और अभी बस हम अंदर जा रहे हैं, मॉस्क के अंदर जा रहे हैं अब हम। है मार्बल का, जिसमें वो शरबत और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑन स्पेशल ओकेजंस। इतने बड़े जार में, इतने बड़े वेरी गुड। और बस अब आगे करेंगे, नहीं रनिंग नहीं करते यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि अंग्रेज़ हों चाहे चाइनीज़ हों, कुछ भी हों, वो ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए अंग्रेज़ जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये देख के कि अंग्रेज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस जगह की ब्यूटी है कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कुरान पाक की हदीस है और पुरानी जमाने की चर्च में कन्वर्ट कर। ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब मॉस्क कभी गोरों ने कब्जा किया, कभी मुसलमानों ने कब्जा किया। सो जब गोरों ने कब्जा किया तो वो चर्च बनाते, तो उनकी ये मेंबर की जगह थी ये वाली, जहाँ इन्होंने ब्लॉक किया ना। तो चर्च जब होता था, जब चर्च ने कब्जा किया, तो चर्च जो था वो यहाँ पे पॉप बैठ के इस जगह बैठ गए स्पीच करने। जैसे हमारे मेंबर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ भी बच्चों का हाथ यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट को वो गाइड कर रहे हैं कि इन जगहों की जो है क्या खासियत है,
क्योंकि वहीद ने मतलब जहाँ तक अभी जाना है वो ये है कि कभी इस जगह पे जो है कभी अंग्रेज़ कब्ज़ा करते थे, कभी जो है मुस्लिम करते थे, और कौन करते थे, मुस्लिम और अंग्रेज़, क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस जो है वो चर्च बना लेते थे, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है फ्रेंड्स के, बच्चे ना कहीं इधर उधर हो जाएं, और मतलब यहाँ पे बहुत जंगें लड़ाइयाँ चलती थी, तो फाइनली जो है ये जगह फिर मुस्लिम्स को मिली, और मुस्लिम्स ने जो है फिर यहाँ पे इसको मस्जिद बनाया, और यहाँ पे एक ये टूरिस्ट टूरिज़म बन गया एक, उसके बाद यहाँ लोग आते हैं देखने, ये जगहें एक हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़ाहिर हैं तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और क्यों ना करें, हमारे इस्लाम की जो हैं वो मस्जिदें हैं ये, और बाकी बहुत खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू मॉस्क, देखते हैं कि इसको हम अंदर से देखते हैं या बाहर से देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों से तो शेयर होता ही रहेगा। अभी हम कहाँ हैं, सुल्तान के पैलेस। फ्रेंड्स, मैं अपने लिए यहाँ पे एक स्लीपर देखने आई हूँ, क्योंकि शूज़ में मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, टर्किश चीज़ें मिलती हैं, और सो फ्रेंड्स एकदम से जो है वो वेदर चेंज हो चुका है, और ठंडी हवा चल चुकी है, और बारिश वाला मौसम हो गया है, क्योंकि 2 बजे यहाँ पे जो है बारिश का वेदर था, फोरकास्ट आ रही थी, और एकदम से बहुत बेहतरीन मौसम हो गया। अच्छा होता है फ्रेंड्स, तो इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है, और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है, और छांव हो गई है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड फॉर लंच करेंगे, और ये देखें टर्किश अबाया। सो उस धूप, सुबह की धूप से तो मैं पूरी, ये देखें ट्रेन जा रही है, टैन हो चुकी हूँ मैं पूरी उस धूप से, और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो। सो फ्रेंड्स यहाँ का मैकडोनल्ड चेक करें आप, कहाँ पे बैठना है, शुड वी सिट हियर, दिस प्लेस इज शुड हियर, यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपना ड्रीम फोटो शूट आज करवाने के लिए आई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बस अभी आप लोगों ने देखी होंगी टर्की जो भी आता है उसकी रील्स वगैरह देखी होंगी, कि किस तरह से वो लॉन्ग लॉन्ग मैक्सीज पहन के उनका फ़ोटो शूट या रील्स या वीडियोस बनी हुई होती हैं। सो मैं वो करवाने के लिए आई हूँ, उसकी बुकिंग मैंने पाकिस्तान से ही करवा ली थी, वही इतने करवा दी थी, और एक्चुअली उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है ये,
और अब देखते हैं कि क्या होता है और कैसा होता है। जो है फोटोशूट कैंसिल होने के पूरे चांसेस हो चुके हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये है फोटोग्राफर, इन्होंने मेरा फोटोशूट करना था और बहुत ज़्यादा तेज़ रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो और शूट भी जो है वो आउटडोर है जिसकी वजह से मेरा शूट अब नहीं हो सकता। फ्रेंड्स हम लोग जो है स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं और स्टूडियो के अंदर आ गए हैं, वेट करेंगे कि अगर तो बारिश रुक गई तो मेरा फोटोशूट हो जाएगा, अगर नहीं रुकी तो फिर मेरा नसीब, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर बाद में आना पड़ेगा, ये हो सकता है। सो फ्रेंड्स फाइनली बारिश जो है वो थोड़ी रुक गई है, रुकी नहीं है, ड्रिजलिंग हो रही है। सो अब मैं रेडी होती हूँ, यहाँ पे जो है सारी ड्रेसेस लगी हुई है और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा ड्रेस वेयर करना है। सुने हाइसम को अंदर लेकर आया कलर I don't have so deep. Guys, Mariam ready ho rahi hai for the photo shoot. I'm so excited. Finally, photo shoot aaj hi ho raha hai. Mama, you want the umbrella too? Yeah. I want. Ab baar dikha dein ki taiyari ho rahi hai photo shoot. Haan. Wow. It will turn the camera. Okay, now turn. Papa, mudo. तो फ्रेंड्स मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा फ़ोटोशूट जो है वो हो गया है और अब हम लोग फेरी में जो है वो घर जाएंगे। कार जो है हमारी ये फेरी के अंदर जाएगी। फेरी जिन लोगों को नहीं पता फेरी है शिप, फेरी जो होती है एक शिप होता है जिसके अंदर गाड़ियाँ जाती हैं तो हमारी गाड़ी अभी फेरी के अंदर जाएगी और फेरी तो ऑब्वियसली समंदर के अंदर है, समंदर में। सो मैंने आप लोगों को अभी तक एक सेकंड शोर नहीं करो। सो मैंने आपको अभी तक अपना रूम वगैरह भी नहीं दिखाया, रूम टूर भी नहीं कराया तो इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो बहुत थक गई हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फोटोशूट की, मेरी वीडियोज़ और पिक्चर्स कब मुझे मिलेंगी उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ और मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन फ्रेंड्स अब जो है हम फेरी में जाने लगे हैं, ये देखें फेरी में जाने के लिए ये लाइंस लगी हुई हैं। हाय सब हटें आप एक सेकंड, ये देखें फ्रेंड्स बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं। नहीं डरो बेटा, ये देखें फ्रेंड्स ये फेरीज ना इस तरह के बड़े बड़े शिप्स हैं और इसके अंदर अभी कार जाएगी। फ्रेंड्स फेरी में जो है वो गाड़ी जा चुकी है और ये देखें समंदर है सारा और बहुत ठंडी हवा चल रही है। आई एम लिटरली शिवरिंग, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। चल रही है।
सी पी ओ फॉस्फोरस का, ये फॉस्फोरस जो है और क्या वो छिपा रहे हैं, ये सिर्फ क्रॉस करवाता है फॉस्फोरस, स्टोरेज लेके जाते हैं ऐसे आगे, ये क्रॉस